Class 10 plus 2 chapter 2nd sexual reproduction in flowering plant topic 5 है आपका dehiscence of anther के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो dehiscence का मतलब क्या होता है? फटना होता है, अस्फुटन होता है। हिंदी में अस्फुटन मीन्स फटना ही होता है। anther कब फटता है? जैसे कि देखो, जब anther immature होता है, जब उसमें बॉल बनते रहते हैं, तो जैसे कि वॉल बनता है, जैसे कि epidermis, endothecium, middle layer, tapetum मैंने बताया था। तो जब ये सब बनते हैं तो इमैच्योर होता है, लेकिन जब बन करके तैयार हो जाते हैं, साथ ही उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बन करके तैयार हो जाता है, तो वो मैच्योर हो जाते हैं। तो जनरली आप जैसे कि आप देखे होगे, आप स्टैमेन क्या होता है, इस तरीके के होते हैं। ओके, तो स्टैमेन इस तरीके के होते हैं, आप जनरली देख रहे हो। तो इसमें ये कितना लोब था? सिंगल लोब, और ये सिंगल लोब, यानी कि कितना? दो लोब हैं, यानी कि दो लोब हैं। तो इस दो लोब को हम लोग क्या कहते थे? डैट इज़ बाई लोब कहते थे। डैट इज़ क्या था? बाई लोब। प्रत्येक लोब जो है आपका, प्रत्येक लोब आपका क्या कहलाता था? थीका कहलाता था। क्या कहलाता था? थीका, यानी कि बाई लोब। तो दो लोब में कितना होगा? डाइथीकस या मोनोथीकस। अब कॉस क्या होंगे? डाई थीकस। क्या कहलाएगा? डैट इज़ डाइथीकस। तो डैट इज़ एनसीईआरटी में आपको कंटेंट में दिया हुआ है, डैट इज़ क्या होगा? डाइथीकस होगा। तो जनरली देखो, मैच्योर जो एंथर होते हैं, जब सूख जाते हैं यानी कि ड्राई हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? फटने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब फटने लगता है तो कैसे, यानी कि उसमें स्टोमियम बनता है, यानी कि एक लाइन ऑफ डेहिसेंस बनता है। वो जनरली प्लांट में ट्रांसवर्स बनता है, लेकिन सरसों में हम लोग जो देखते हैं, सरसों वाले प्लांट में आपको कैसा बनता है? लॉन्गिट्यूडनल बनता है। तो आपको स्टोमियम जो बनता है कहाँ से बनता है? आपको स्टोमियम, जैसे कि मैंने आपको लेयर बताया था, आपको जैसे एंथर में लेयर बताया था, आपको इंडोथीसियम बताया था। इंडोथीसियम आपको अच्छी तरीके से, पूर्ण तरीके से याद होगी कि इंडोथीसियम जो होता था, फाइब्रस होता था, ये जब इमैच्योर होता था तो काफ़ी मोटा होता था इसका लेयर, है ना। लेकिन धीरे धीरे सूखने के कारण बाहरी जो लेयर है, आउटर लेयर इसका जो है, यानी कि इपिडर्मिस के तरफ, ये पतला हो जाता था, और जो है आपको मिडिल लेयर की तरफ है, उधर भी आपको रेडियल वॉल आपको निकलने लगता था। ओके, तो ये आपको रेडियल लेयर आपको जनरली देखने को मिलता था, रेडियस के अकॉर्डिंग काफ़ी पतला हो जाता था, और ये आपको फट जाता था। यहीं पर आपको अस्टोमियम बनता था। अस्टोमियम का फॉर्म कहाँ होता था? अस्टोमियम यानी कि लाइन ऑफ डेहिसेंस आपको यहीं पर फॉर्म होता था और फट जाता था। फट करके ये क्या करता था, यानी कि ये इस तरीके से, ये जो जनरली दो है, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये इस तरीके से ये फट जाता था। तो फटने के बाद यहाँ से क्या निकलने लगता था? पॉलन ग्रेन्स आपका निकलने लगता था। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होता था? जब निकलता था तो ये पॉलन ग्रेन्स आपको बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू, आपको या तो एबायोटिक यानी कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या बायोटिक यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के थ्रू, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कि ऑर्गेनिज्म के थ्रू, है ना, वो आपको क्या होते थे? एक जगह से दूसरे को चले जाते थे, और दूसरे फ्लावर पर चले जाते थे, मेल टू फीमेल मेल टू फीमेल पार्ट पर आपको जाते थे, जिसके कारण पॉलिनेशन संभव हो पाती थी। तो ये मैंने देखा था डेहिसेंस में। तो डेहिसेंस जो सिचुएशंस जो होती है सरसों में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर देखें तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि लोकल डिग्रेडेशन है, जैसे कि लोकल, जैसे कि फटते कैसे हैं, है ना, किसी प्लांट में अगर हम लोग देखते हैं तो डेहिसेंस की घटना, यानी कि फटने, एंथर जो फटता है, ओके, तो एंथर जो फटता कैसे है, किसी में भाल्व लाइक फटता है। ओके, तो जैसे कि बारबेरी जो होता है, बारबेरी जो प्लांट में होते हैं, तो बारबेरी का जो एंथर होता है वो भाल्व जैसा फटता है। वाल्व आप समझते हो, डैट इज वाल्व, पोर्स, होल के जैसा, छेद के जैसा। ओके, तो ये जो होता है वाल्व, बंद होता है, ओपन होता है, वो होता है पोर्स। जो होता है आपको स्पेस होता है, छेद होता है, है ना, पोर उसको कहते हैं। तो जितना भी सोलेनम है, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब जनरली में आपको क्या होते हैं, डैट इज आपको किस तरीके के पोर लाइक आपको डेहिसेंस देखने को मिलते हैं। एक है आपको नाजा, एक सांप है, लेकिन नाजाज एक आपको प्लांट है। नाजाज प्लांट में आपको लाइन ऑफ डेहिसेंस कैसा होता है? इरेगुलर होता है। ये इस तरीका का होता है, ये इस तरीका का होता है, ये ओपनिंग जैसा होता है। ओके, मान लेते हैं
कि आपको यहाँ पॉलन ग्रेन है तो ये ओपन कर जाएगा, गेट जैसा खुल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से मैंने बताया डेहिसेंस ऑफ एन एंथर मैंने बताया, तो डेहिसेंस ऑफ एन एंथर मैंने बताया, इसमें आपने काफ़ी चीज़ पढ़ी है ना। चलिए हम लोग अगले जो टॉपिक है टॉपिक 6 में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीका का पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, पॉलन का वायबिलिटी क्या होता है ना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा, ओके। तो आप लोग पढ़ने के लिए आप लोग टॉपिक नंबर 6 देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना मत भूले, और जो नए जो आप दर्शक हैं वो क्या कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, है ना।